झोकर में विश्व हिंदू परिषद और धर्म प्रेमियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर हेतु भूमि पूजन और आधारशिला रखे जाने पर मंदिर में आरती उतारी और दीप प्रज्वलित कर भगवा पटाखा घर घर लगाकर उत्सव मनाया। इस अवसर पर मंदिरों में आरती और महाप्रसादी के आयोजन हुए। सन 1990 में जब राम जन्मभूमि हेतु आंदोलन हुआ तो झोकर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं में बलिदानी जत्थे में 5 लोग प्रमुख रूप से गए थे, जिसमें स्वर्गीय रमेश कलमोदिया, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौधरी, प्रकाश नागर, गणेश राठौर और दिलीप इंद्रिया थे। इनमें से जो आज जीवित हैं उन्हें जब सामाजिक कार्यकर्ता संदीप गुप्ता ने बधाई दी तो वह तीनों भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रकाश नागर और दिलीप इंद्रिया ने बताया कि हम घर पर अपने नाम के लिए खुद दिए जलाकर निकले थे और घर वालों से कह कर गए थे कि यदि हमारी लाशें आए तो इन्हीं दियों की लौ से हमारा दाह संस्कार कर देना, जीवित आए तो यह हमारी किस्मत होगी। आज हमें गर्व है कि हम अपनी आंखों के सामने मंदिर की आधारशिला रखते हुए देख रहे हैं। प्रत्येक हिंदू का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर द्रोणापुरी महाराज चौक बाजार राम मंदिर, राम मंदिर बड़ा मंदिर, चामुंडा माता मंदिर पर आरती और पूजा के साथ साथ जय श्री राम के नारों से परिसर गुंजायमय हो गया। साथ ही महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। विश्व हिंदू परिषद विभाग सहमंत्री राकेश चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद की ओर से अपने उदागर व्यक्त किया। बड़े मंदिर में देवनारायण पटेल, राकेश चौधरी, लालचंद परिहार, महंत हरिदास जी महाराज, मनोज शुक्ला, नरेंद्र शर्मा, विक्रम परमार, अजय राठौर सभी कार्यकर्ताओं ने आरती की। आज बड़े हर्ष उल्लास का दिन है। आज 500 वर्ष पुरानी इस संघर्ष की लड़ाई को हमने अंजाम दिया है। आज इस दिवाली के महापर्व पर दिवाली से भी अधिक हर्षोल्लास के साथ आज श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम झोकर में भी प्रसिद्ध बड़ा मंदिर श्री राम मंदिर के नाम से जाने जाने वाला बीचों बीच गांव में मंदिर श्री रामचंद्र जी का, उसमें विशेष महाआरती का आयोजन किया गया एवं गांव के सभी प्रमुख मंदिरों में आरती का आयोजन एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया।